ओहो लग रहा है शालीन सुम्बुल टीना गौतम निमृत के और सौंदर्य के ये जो ग्रुप बन चुके हैं, एक एक्चुअली एक ग्रुप जो बन चुका है उसमें अब सब ग्रुप्स बन रहे हैं और इनमें भी अभी बहुत सारे बदल आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। क्या ये ग्रुप टूटेगा टिकेगा, क्या हो रहा है आज के एपिसोड के बाद, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। कहीं ना कहीं सृजिता के आने से चेंज हो रहा है उनके ग्रुप का डायनामिक्स। इवन दो सृजिता इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ सुम्बुल का ग्रुप, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुम्बुल के साथ बनती है, निमृत के साथ बनती है, गौतम के साथ बनती है और शालीन के साथ भी बनती है। बेसिकली उनका प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीना के साथ है, और टीना को बेसिकली पसंद नहीं आ रहा है कि शालीन स्पेशली जो सृजिता से बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात बताई भी सुम्बुल और गौतम को कि यार तुम लोग कैसे सृजिता वहाँ पे आ रही है तो तुम लोग कैसे वहाँ पे उसे आने दे रहे हो, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है एंड उससे मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम लोग उसे क्यों एंटरटेन कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने यही चीज़ सुम्बुल और शालीन को भी बताया। शालीन कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि वो चले जाकर कि यार मुझे ना इसमें पढ़ना ही नहीं है और मुझे दूर रहना, लाइक फॉर मी हर थिंग इज ओवर नाउ, लाइक मुझे बिल्कुल उसके साथ कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखनी। तो कहीं ना कहीं इनके ग्रुप में बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। टीना सौंदर्य साइड में हो गया और कह रहे हैं कि अभी इन लोगों को अपनी जरूरत नहीं है, ये लोग अपने को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, इन लोगों ने अपने अपने चॉइसेस ले लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को अपनी वोट की जरूरत है। अगर हमने वोट नहीं किया तो फिर इनका आगे कैप्टन बनना या आगे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी अगर है तो हम दोनों की वजह से इनकी मेजॉरिटी बन रही है, वरना इनकी नहीं बन रही है। तो सौंदर्य टीना ने क्या किया, स्टैन को साइड में लेकर गए, स्टैन से बात करने लगे और बोले कि तू हमारे साथ बैठा उठाकर ऐसा दिखेगा कि इन्हें हम तुम्हारे साथ है और वो हमें और चाहेंगे, हम उनके साथ जाए, सो दे शुड क्रेव फॉर अस, ये टीना कह रही है। और स्टैन ये सारी बातें आके शिव और साजिद को बता देता है कि ये सारी चीजें चल रही है और साजिद उन्हें समझाते हैं। एंड आई थिंक साजिद वॉज राइट विद दिस कि ये सब फॉलोअर्स वगैरह चीज़ जब पता चली कि अरे एमसी स्टैन एक पॉपुलर नाम है, एक बड़ा नाम है, सो पहले उन्हें लग रहा था शालीन को अरे इसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए स्टैन को, इसलिए हम स्टैन करेंगे, बट बाद में जब पता चला कि स्टैन के फॉलोअर्स और शालीन के फॉलोअर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सबको पता चल जाता है कि मिलियंस में फॉलोअर्स है स्टैन के, तब से लेकर ये लोग स्टैन को और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात साजिद उन्हें बताता है। स्टैन ये बात समझ जाता है, स्टैन बोलता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उनमें। सौंदर्य टीना जानबूझ के आफ्टर नेटिंग टू नो अबाउट द फॉलोअर्स और ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश स्टैन के साथ करी वो दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं इन लोग में आपस में टूट पड़ रही है और इनमें फाइट्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं। इवन तो बाद में टीना कहती है बाद में सॉल्व होकर कि हाँ ठीक है जो भी है मुझे बुरा लगा अब फाइन इट्स एवरीथिंग फाइन, लेकिन यहाँ पे अगेन टीना इस बात पे भी भड़कती है कि सुम्बुल को चूज किया जाता है डिनर के लिए शालीन की ओर से, ना कि टीना को। अब कहीं ना कहीं टीना इनसिक्योर है या नहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से सृजिता ने स्टार्टिंग में कहा था वो डोमिनेटिंग है, थोड़ी इनसिक्योर है और डिमांडिंग है, तो क्या आपको लगता है सृजिता ने जो टीना के बारे में एनालिसिस किया था वो सही है या गलत, और ये टीम क्या आपको पसंद है? लेकिन इस टीम में अभी टूट पड़ रही है, फूट पड़ रही है, सो इस पर भी आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आई सी यू।